साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे स्कैबोमा लोशन। साथियों स्कैबोमा लोशन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, हाउ टू वर्क इन द बॉडी और ये बॉडी पे कैसे वर्क करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहने का मतलब है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, वार्निंग इंट्रैक्शन एंड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। साथियों स्कैबोमा लोशन जो हमारे पास है ये 100 ml है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी का लोशन है। ये देखिए साथियों लिक्विड है, ये 100 rupees की इसकी MRP है और ये 100 ml लोशन है। साथियों स्कैबोमा लोशन यूज टू ट्रीट स्कैबिस, साथियों स्कैबिस में इस्तेमाल करने वाली ये दवा है, एंड ऑल्सो यूज टू रिलीव इचिंग एंड स्किन इरिटेशन एसोसिएटेड विथ सनबर्न। कहने का मतलब है कि धूप में जो है स्किन झुलस जाती है, उससे क्या होता है कि ड्राई हो जाती है, इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, खुजवाने का मन करता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। ऐसे केस में स्कैबोमा बहुत ही अच्छा रिस्पांस करता है। साथियों ड्राई एक्जिमा है, ड्राई एक्जिमा मतलब होता है कि स्किन में जो है क्या होता है, एक तरह का विकार है, उसमें ड्राई स्किन हो जाती है, टाइप ऑफ इचिंग स्किन रैशेस पड़ जाते हैं साथियों, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड डर्मेटाइटिस, किसी प्रकार की स्किन में विकार है, जैसे रेडनेस हो गई है और खुजली होती है, इचिंग स्किन होती है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड एलर्जिक रिएक्शंस मतलब एलर्जिक रैसेस कह सकते हैं, हाइव्स कह सकते हैं, नेटल रैसेस साथियों, उससे क्या होता है कि जैसे कि छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, मतलब उनके रैसेस पड़ जाते हैं, जैसे कि डायपर पहनते हैं उसकी वजह से, किसी और कारण वजह से, या चिकन पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स के बाद इचिंग बहुत ज़्यादा होती है स्किन पे, ऐसे केस में इस लोशन को इस्तेमाल करेंगे तुरंत आराम मिल जाएगा। एंड हीट रैसेस साथियों कहने का मतलब ये है कि धूप में जैसे क्या होता है, मई जून का महीना है, उसमें जो है पसीना बहुत निकलता है, घमोरियाँ निकल आती हैं, इचिंग बहुत होती है, खुजली करने का मन होता है, ऐसे केस में इसका इस्तेमाल करेंगे तुरंत आराम मिलेगा। साथियों स्कैबोमा लोशन पर्सनली इचिंग है जैसे कि किसी कारणवश, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंसेक्ट बाइट हो जाता है, इंसेक्ट कीड़ा काट लेता है किसी तरह से, और स्टिंग्स होता है, स्टिंग्स मतलब ये होता है कि साथियों 6 से 8 पैर वाला जो है कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो दिखते नहीं हैं साथियों, और वो क्या होता है स्किन में काट लेते हैं और फिर जो है होल ऐसा बना लेते हैं, उसमें अपने अंडे बच्चे दे देते हैं, और उससे क्या होता है इचिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि रेडनेस हो जाती है, रैसेस पड़ जाते हैं, और डर्मेटाइटिस इचिंग बहुत होती है, खुजली बहुत होती है, ऐसे केस में साथियों स्कैबोमा लोशन इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या होता है कि माइट्स जो होते हैं 6 से 8 पैर वाले, वो जो है डेड हो जाएंगे और उनके जो एग्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे और उससे जो है समस्या दूर हो जाएगी। साथियों स्कैबोमा लोशन ये एंटी पैरासाइटिक मेडिसन है, किसी तरह का पैरासाइट है उसकी वजह से स्किन में विकार है, उसमें इस्तेमाल करने वाला लोशन है। एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट स्कैबिस। स्कैबिस साथियों क्या होता है, 6 से 8 पैर वाले जो कीटाणु होते हैं वो स्किन में काटते हैं और वो होल बना लेते हैं, होल बना के उसके अंदर अंडे बच्चे पैदा करते हैं, और वो धीरे धीरे जब कट करते हैं अंदर, तो क्या होता है स्किन ऊपर रेड पड़ जाती है और रैसेस टाइप के पड़ जाते हैं, एक तरह की लाइन टाइप की निकल आती है, बन जाती है। ऐसे केस अगर ऐसी समस्या है, तुरंत समझ जाइए कि स्कैबिस हो गया है, और स्कैबिस में स्कैबोमा लोशन इस्तेमाल करेंगे तुरंत हो जाए। स्कैबोमा क्या होता है कि वेयर टीनी इंसेक्ट और इरिटेशन करते हैं, इन्फेस्ट कर देते हैं, इन्फेस्ट मतलब होल बनाना होता है, और उससे क्या होता है स्किन जो है खुजली करने लगती है। साथियों इट वर्क्स बाय किलिंग द माइट्स एंड देयर एग्स, जैसा कि अभी हिंदी में बताया, ये माइट्स को जो है किल कर देते हैं और उनके एग्स को किल कर देते हैं, और उससे समस्या दूर हो जाती है और स्कैबिस ठीक हो जाता है। साथियों ये बहुत ही अच्छा लोशन है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाता है, 100 rupees MRP है, 100 ml इस तरह का वाइट लिक्विड है। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, यूजेस की बात करेंगे तो साथियों इसका इस्तेमाल स्कैबिस में होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्क्रिप्शन में विस्तार में बताया है। एंड लाइस मैनिफेस्टेशन साथियों क्या होता है कि जुओं की समस्या होती है, सर में क्या होता है कि बहुत जुए हो जाते हैं, जुए की वजह से जो है क्या होता है कि जो है इसको लगाने से तुरंत आराम मिल जाता है। एंड पेडिकुलोसिस साथियों क्या होता है कि सर में जो है जुए होते हैं, उससे जो है क्या होता है कि इचिंग होती है और वो कट करते हैं, उसमें इसको इस्तेमाल करने से वो
जो है क्या होता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है, कील हो जाते हैं, मर जाते हैं और उससे समस्या ठीक हो जाती है। साथियों, स्कैबोमा लोशन इस्तेमाल करने से कैसे वर्क करता है बॉडी पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इट वर्क्स बाय किलिंग द टिनी इंसेक्ट। और ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो 6 से 8 पैर वाले कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको जो है डैमेज कर देता है, किल कर देता है और उसके अंडे को भी ख़त्म कर देता है। और उससे क्या होता है, समस्या दूर हो जाती है और जो उससे जो है रैसेस होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। साथियों, कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो जब भी परचेज करेंगे साथियों, यहाँ पे देखेंगे लिखा है तो गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसमें मिला होता है, 1% वेट बाय वॉल्यूम होता है। और ये जो है क्या कहते हैं कि किसको किसको नहीं इस्तेमाल करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, व्हेन नॉट टू बी यूज। जैसे कि इसके फार्मूला से जो भी एलर्जिक पर्सन है, पहले कभी इस्तेमाल किया और स्किन को सूट नहीं किया है, उनको इस्तेमाल नहीं किया है करना है। एंड नियोनेट एंड प्री मेच्योर बेबी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उसमें इस्तेमाल नहीं करना है। और जिनको सीजर्स झटके बहुत जल्दी आ जाते हैं, अनवांटेड झटके, कि उनको पता नहीं होता है, पता नहीं कब झटका आ जाए, मिर्गी आ जाए, ऐसे केस में इसका जो है इस्तेमाल नहीं करना है। साथियों, वार्निंग की बात करेंगे तो प्रेग्नेंट महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं में क्या होता है कि ये मतलब इनहैबिट है, मना है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में क्या होता है कि जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं तो ये मिल्क में जो है बच्चों में जाने के चांस रहते हैं। साथियों, इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास अगर जाएं तो पहले से ही बता दें, अगर किसी तरह की दवा चल रही है या फिर कोई बीमारी है, जैसे कि आप कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो इसका इंट्रेक्शन जो है साथियों, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन पहले से चल रही है उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है। एमीट्रिप्टिलीन टैबलेट चल रही है या फिर जिसको झटके आते हैं, सीजर्स डिसऑर्डर है, उनमें इस्तेमाल इसका नहीं होगा। साथियों, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है, 100 रुपीज़ की MRP है, 100 ml का सीरप है। साथियों, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो जब भी परचेज करेंगे तो इसमें जो है रीड द लेबल केयरफुल्ली एंड चेक द एक्सपायरी। और साथियों, क्या है, जब भी यूज करेंगे सेक वेल बिफोर यूज करेंगे एंड दिस इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। साथियों, यह दवा मतलब पीने के लिए नहीं है और ये केवल जो है बाहरी त्वचा पे लगाने के लिए है और बच्चों की पहुँच से दूर करें रखें। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।